हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज प्रियांशु शर्मा एंड आई एम फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन बांग्लादेश। अब बात करते हैं एनएमसी के एक न्यू रूल की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपको अपना जो इंटर्नशिप है, वन ईयर का जो इंटर्नशिप है, वो आपको रेस्पेक्टिव जो कॉलेज है आपका, तो उससे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका लॉस हो जाएगा इस तरह से, सो देखो, आपको अपनी एमबीबीएस तो कंप्लीट करनी है, देन वन ईयर का अगर आपको यहाँ से इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो आपके लिए अगर ये आपको लगता है कि आपका बजट इश्यू हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? बांग्लादेश इज नॉट सो एक्सपेंसिव कंट्री। इट्स आपके जितने भी यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत लिमिटेड में होते हैं। सब कुछ, फूड से लेके एसेसरीज से लेके देन ट्रांसपोर्टेशन से लेके यहाँ का रहना, सब कुछ एक बहुत ही एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर पाती है। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है। और फिर आपको इंटर्नशिप करने के लिए वहाँ पे कि अपने कॉलेज में कोई फीस भी देना नहीं पड़ रहा, जस्ट आपको अपना जो इन माय कॉलेज, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में कोई फीस नहीं लगती है, जस्ट आपको रहने का, इफ़ यू आर लिविंग स्टेइंग इन हॉस्टल, देन यू हैव टू पे योर हॉस्टल फीस, हॉस्टल रेंट आपको देना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्टल में भी स्टे नहीं करना चाहते हो, देन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप एक ग्रुप बना के अपने फ्लैट में रहना चाहते हो बाहर, अगर आफ्टर एमबीबीएस आप फ्लैट में रहना चाहते हो, तो ये जस्ट आपका एक्सपेंसेस है। तो इट्स नॉट एक बिग डील, जस्ट आपका एक इंटर्नशिप यहाँ से आपको करना पड़ रहा है। अगर न्यू स्टूडेंट्स जो अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे को रिपीटेडली बहुत स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार, बहुत पैनिक में आ गए, भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सो इट्स ओके, इसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, जस्ट आपका वन ईयर है। और उस बीच आप में उस इंटर्नशिप के टाइम पे एक और अच्छी बात, बिकॉज आई एम डूइंग माई एमबीबीएस, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे सकता हूँ कि जब यहाँ पे आप फाइनल ईयर करोगे, तो फाइनल यहाँ पे वन एंड हाफ ईयर की होती है, तो उस टाइम आप मैरो का या प्रेपलेटर का सब्सक्रिप्शन लेके आप फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर आपको डेली वाइवा होते हैं, आइटम्स होते हैं, तो आप उस टाइम पे आप प्रेपलेटर और मैरो को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपको यहीं का जो है ना वो सब पढ़ना पड़ता है। यहीं का बोलते हैं मतलब जो बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ह्यूज एक नॉलेज के अकॉर्डिंगली पढ़ना पड़ेगा। बट जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे, तो फाइनल ईयर में यहाँ पे वाइवा नहीं होते, जस्ट लेक्चर्स होंगे टीचर्स के, क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, हॉस्पिटल होता है, वार्ड होता है, तो उसमें जस्ट ऐसा, उसमें क्या है, वाइवा वाला रूटीन नहीं फॉलो करना पड़ता। तो उस बीच में आप क्या कर सकते हो, प्रेपलेटर या मेरो का एक अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो आप अपना डेली एक वीडियो या फिर जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है टीचरों द्वारा, जो भी लेक्चर में उन्होंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज उन्होंने कोई रेस्पायरेटरी से रिलेटेड कोई न्यूमोनिया पढ़ाया या सीओपीडी है ना, तो वो पढ़ाया, तो आपने आके जस्ट अपना मेरा ओपन किया, उसमें पूरा वीडियो देख लिया उसका, तो बस इसमें क्या हुआ, आपका यहां का जो लेक्चर हुआ उसके साथ साथ आपने वहां का जाके उस पहले लेक्चर किया आपने मॉर्निंग में, उसके बाद जाके आपने हॉस्पिटल में जाके उसका फिर वार्ड देखा, पेशेंट देखा है, फिर शाम को आके आपने उसका प्रॉपर जो मेरो का वीडियो देख लिया। अभी इससे फायदा क्या हुआ आपको, पूरा आपने कंप्लीटली एक लेक्चर का भी नॉलेज आ गया आपके पास, फिर पेशेंट के साथ भी आपका एक्सपोजर हो चुका, अब उससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हुए या फिर कोई डीप जो कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे आके अपना मैरो से पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो आप यहाँ से निकलने के बाद जो सोचते हो कि हमें यहाँ से निकलने के बाद 6 महीने कोचिंग करनी है, वो है वो सारा टाइम बच जाएगा ना उसके, क्योंकि वो उसका प्रिपरेशन आप ऑलरेडी यहाँ पे ले सकते हो ना, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आप उस फाइनल ईयर में भी ले सकते हो और साथ साथ वो इंटर्नशिप के टाइम पे भी आप वो वन ईयर जो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, तो आपका एक 99.90% से ये श्योर हो जाएगा कि आप पूरा प्रिपेयर हो, अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर हो आप, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं, जो अभी वहाँ पे गए हैं, तो मेरी ढाका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं 56% पासिंग रेशो रहा है अकॉर्डिंग टू 2020 FMG। तो उन स्टूडेंट्स ने कोई एक्स्ट्रा कोई कोचिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, जस्ट वही फॉलो किया, फाइनल ईयर में वन एंड हाफ ईयर में उन्होंने मेरो ले लिया और पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने पूरा पढ़ डाला। तो और बाकी क्योंकि यहाँ पे डेली वाइवा बेस्ड नॉलेज है ना, तो बाकी आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ पे एकदम ऐसे स्ट्रांग हो जाती है ना डेली वाइवा, क्योंकि आपको जो आज पढ़ाया कल आपको वो सुनाना है, तो आप जैसे पूरा आपके ब्रेन में तो रहेगा ना, जस्ट आपको जस्ट वो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है नेक्स्ट। तो कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप बाई चांस आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो ये आप श्योर रहिए आपसे क्लियर जरूर होगा, क्योंकि अगर आप MBBS करते हो यहाँ से और आप यहाँ MBBS में फर्स्ट ईयर से और फाइनल ईयर तक पहुँच रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर दम है, यू कैन डू इट। बिकॉज अगर स्टूडेंट कैपेबल नहीं है तो वो फर्स्ट ईयर से और सेकेंड ईयर तक भी उसका आना बहुत टिपिकल हो जाएगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ, बांग्लादेश का एजुकेशन इतना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम है, हाँ, या फिर जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मतलब हम मुझे जस्ट एक फ़न करना है, तो प्लीज़ आप बताओ,
सीरियसली प्लीज आप मत आना, क्योंकि उनके लिए बहुत टफ पड़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के एक या तो वो प्रेशर हो या फिर उसमें वो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे जब आके उनको डेली वाइवा डेली आइटम्स का जब प्रेशर आता है तो वो देन वो दे गिव अप। और अब आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जब आपने कुछ कॉलेजेस में वो हाफ अपनी जो फीस होती है वो डिपॉजिट करवा देते हैं, तो फिर वो वही ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर माइंड दैट ये आपको फोकस करना है कि मुझे सिर्फ MBBS नहीं, मुझे नेक्स्ट क्लियर करना है। MBBS तो आप कैसे ना कैसे कर लोगे, अगर भी आप आओगे मेंटली प्रिपेयर होकर आओगे तो आप फिर करोगे उसको, या तो जो थोड़े ब्रिलियंट होंगे वो एक बार में निकल जाएंगे, जो थोड़े से एवरेज ऑन एवरेज होंगे वो भी निकाल ही लेंगे, लेकिन बात वो है कि आपके दिमाग में फोकस रहना चाहिए, यू हैव टू क्रैक योर नेक्स्ट। तो उस बेसिस पे आप अपना माइंड सेट करके आइएगा। सो ये तो रहा बांग्लादेश के बारे में, और कुछ इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन जो आपको मे बी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आपका यहाँ 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, और तो फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगा, अगर आप एब्रॉड के लिए सोच रहे हो तो फिर कहाँ से करोगे, और कोई कंट्री है जिसके लिए आप कर सकते हो क्या आप? सो अगर आपको भी लगता है कि जो मैंने बोला वो आपको एकदम करेक्ट है या फिर नहीं है, जो भी आपके ओपिनियंस हैं वो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में आप एक बार ड्रॉप कीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया लगे आपका ओपिनियन क्या है, जिससे मुझे भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो सेम आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। यू लाइक द वीडियो एंड आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो ऐसी ही MBBS से रिलेटेड और MBBS की लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, MBBS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आपके क्या क्या थॉट्स हैं, आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मैं आप उन टॉपिक्स को और भी देख पाऊँ, टॉपिक्स के से पे और भी कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ और वीडियोज़ बना सकूँ। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूजन लगे किसी भी कंसल्टेंसी से, किसी भी एडमिशन लेटर से, या फिर कोई भी आपको सस्पेक्टेड केस लगे कि मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यू कैन व्हाट्सअप मी एंड यू कैन ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो थैंक यू वेरी मच।